हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं वरुण कुमार, आपका यूरो ट्रक सिम्युलेटर, अमेरिकन ट्रक सिम्युलेटर प्लेयर। तो ये 71st एपिसोड है हमारा हिंदी कमेंट्री के साथ। एंड आई एम सॉरी, मैं पीछे अपलोड्स नहीं कर पाया थोड़े, तो एक्चुअली मैं काफ़ी बिजी था, इसलिए मैं अपने कंप्यूटर के पास नहीं आ पाया। एंड उसी रीज़न के वजह से मैं आप लोगों के लिए और एपिसोड्स भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मेरे पास कोई रिकॉर्डेड एपिसोड था नहीं, वरना मैं उसे अपलोड पे डाल देता। तो मेरे पास संडे के अलावा कोई और वीडियो थी नहीं, मैं बना भी नहीं पाया, फिर अपलोड भी नहीं कर पाया। वो तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है ना। तो अनफॉर्चुनेटली सब के वजह से मैं आपको और कंटेंट नहीं दे पाया, लेकिन आई होप आप लोग क्या कहते हैं, मेरा जो आगे के कंटेंट होगा, मतलब मैं डबल करने की कोशिश करता हूँ इस हफ्ते का कंटेंट, क्योंकि ये एक तरीके से आपके लिए एक अपॉलॉजी हो गया, या सॉरी समझ लो कि आपको डबल कंटेंट मिलेगा इस वीक। मेरी कोशिश तो रहेगी डबल कंटेंट की, भी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अब बस करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप लोग कब से वेट कर रहे होंगे मेरे कंटेंट का और मैं बना नहीं पाया, सो सॉरी फॉर दैट अगेन। तो अगर आपको याद होगा, हम लास्ट टाइम मैनहाइम में आए थे शायद, लेट्स चेक द मैप। हम आए थे मैनहाइम में आए थे, और अब हम मैनहाइम से जा रहे हैं स्टुटगार्ट, क्योंकि यहाँ पर शायद एक क्या कहते हैं, ट्रक डीलर है। मैनहाइम हम यहाँ भी डिस्कवर कर सकते थे, लेकिन अभी तो हमें ट्रक डीलर्स डिस्कवर करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, और हमारी क्या कहते हैं, हमें हमारे ड्राइवर को नींद भी आ रही है, आप देखो सिक्स 3 घंटे 50 मिनट के करीब में उसको नींद आ जाएगी। तो हमें जाके सबसे पहले अपने ट्रक ऐसे करेंगे, ट्रक ड्राइवर को थोड़ा स्लीप दे देंगे, ठीक है, इस रास्ते से जाके। और उस स्लीप के बाद क्या कहते हैं, हम अपनी नेक्स्ट ट्रिप उठाएंगे। मैंने वो सब क्या कहते हैं, हाँ, ट्रक को रिपेयर भी करना है हमने, तो सब कुछ पहले ट्रक डीलर डिस्कवर करेंगे, ट्रक को रिपेयर करेंगे, और उसके बाद इन दी एंड हम ट्रिप चूज़ करेंगे, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। अरे हाँ, स्लीप तो बोल दिया ना, सॉरी, इतना टाइम हो गया, मैं खुद कन्फ्यूज हो गया हूँ इस गेम में क्या क्या था। तो काफ़ी सुंदर रास्ता है ये। एक बार मैं ऐसे करता हूँ, एक जो पिछले हफ्ते कमेंट्स आए हैं 7 दिन पहले, एक बार उसको कवर कर लेता हूँ, ठीक है। अब से मैं सोच रहा हूँ मैं कमेंट्स को कवर करूँगा, उसी हिसाब से आपको शाउटआउट्स भी मिलेंगे, ठीक है। बस ये कि मैं कहीं ट्रक ठोक ना दूँ, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं। 5 दिन पहले आया था मुझे हर्ष जैन का कमेंट, वो कहता है अपने बात सुन ली भाई, ओपी, मज़ा आ गया, मुझे तो आधा ही देखा है अभी। अच्छा, जब मैंने आई थिंक 1 घंटे की वीडियो अपलोड की थी, तब की बात है। उसके बाद इसमें दीप संधू का आया था, नाइस ट्रक एंड वीडियो, थैंक्स अ लॉट। सोहिल पंसारे ने कहा था DLC की कोई जॉब करो, हाई बिग कार्गो, वो तो होती रहती है ब्रो बीच में। गेमर राइजिन ने कहा भाई इसमें माउंटेन रोड्स है क्या? हाँ, माउंटेन रोड्स, देखो माउंटेन रोड्स तो यहीं पर आ गए, हम माउंटेन रोड्स पर एक तरीके से जा रहे हैं। पहाड़, पूरा पहाड़ तो नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इस गेम का पर्पस थोड़ा अलग है, और वो मॉड्स में होता है। और ये ट्रक इतना एग्रेसिव क्यों, सामने वाला है, देखो ये क्या कर रहा है, ये ट्रक देख के आना पड़ेगा, ये टेल क्यों कर रहा है उसको, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आ रहा है अतर सिंह, भाई कीबोर्ड भी दिखना चाहिए। ब्रो मेरे पास एक्चुअली कोई एक्स्ट्रा कैमरा तो मैं यूज़ करता नहीं हूँ, ठीक है, वेबकैम मेरे पास है नहीं। फ़ोन से रिकॉर्ड करना, मेरे पास एक ही फ़ोन है जिसकी अभी तक खुद ही बैटरी मर रही है, वो भी एक iPhone 5s है, 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या कह सकते हैं, वो रिकॉर्डिंग तो बहुत मुश्किल से होती है, डेड ही हो एक तरीके से मान लो। तो अपग्रेड करना है मुझे, आप लोग सजेस्ट करें कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। अगर मेरे को iPhone लेना है तो क्या X लेना चाहिए, XR लेना चाहिए, या XS लेना चाहिए, आप लोग मुझे बताओ। एंड देखते हैं क्या लेता हूँ मैं, मुझे क्या कौन सा फ़ोन पसंद है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक होपफुली आप लोगों की भी कमेंट्स आ जाएं कि कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। मैं एक्चुअली आईफोन फ़ैन हूँ, इसलिए क्योंकि वो मुझे पावर एफिशिएंट लगता है। एंड्रॉयड अच्छा है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं तो फिर अभी मन नहीं कर रहा ट्रांजिशन करने में। सो नेक्स्ट कमेंट हम देखते हैं। ट्रेन से गेमर, इन्होंने कहा था भाई स्कैनिया पे किंग ऑफ द रोड स्किन लगाओ। अच्छा, ये तो काफ़ी पहले की वीडियो हो गई, तो मैंने वो लगा दिया, देखो स्किन कैसा लग रहा है आप लोगों को, किंग ऑफ द रोड। इवन तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि कौन सी वाली है, मैंने आपको दिखाई भी थी किंग ऑफ द रोड लिखा है, तो ये मैंने लगा दी थी स्किन। ट्रक्स, फिर उन्होंने ट्रेन गेमर ए ने पूछा था कि ट्रक्स दूसरे कंपनी के भी परचेस करो। हाँ, दूसरे कंपनी के मैंने परचेस कर लिया, देखो मैन का परचेस कर लिया, स्कैनिया, अब हम ट्रक्स डीलर ढूंढेंगे तभी मिलेगा, और ढूंढने में टाइम लगता है, तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए आप भी।
फिर आया मुझे प्रतीक मिश्रा इंडियन कमांडो, उन्होंने कहा यू शुड ट्राई अ ट्रक मॉड नेम जी टी एक्स मैन सॉरी मैन टी जी एक्स यूरो सिक्स। ठीक है प्रतीक मिश्रा आप मुझे लिंक दे दें तो ज़्यादा बेटर है, मैं लिंक के अकॉर्डिंग ही करूँगा क्योंकि मेरा लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन में इनकम्पैटिबिलिटी बहुत होती है मॉड्स की, तो अगर आप मुझे वो बता देंगे तो आई बी ग्रेटफुल। अरे फ्यूल काफ़ी कम रहेगा, मैं ध्यान नहीं रहा, 250 किलोमीटर का फ्यूल है मेरे पास सर। ठीक है तो नेक्स्ट हमें किसका आया है, रवि रवल मयंक, इन्होंने कहा है कि भाई मोबाइल में कैसे डाउनलोड करें फ्री में एंड कोई ऐप डाउनलोड बिना, अच्छा कोई वेरिफिकेशन के बिना। तो रवल मयंक और बाकी सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये गेम जो है ये मोबाइल के लिए नहीं है, अगर आपको कोई वीडियो बोल रही है कि फॉर मोबाइल या फिर एंड्रॉयड ये वो फेक है, तो प्लीज़ ऐसे मत फॉलो करें, वायरस डलवा लेंगे अपने फ़ोन में तो आपका फ़ोन भी चला जाएगा, तो डोंट डू दैट। ठीक है ये सिर्फ इसमें है, बाकी एंड्रॉयड iOS में हैं 2-3 गेम्स जो हैं नहीं, मतलब यूरो ट्रक तो नहीं है लेकिन बाकी ट्रक गेम्स हैं, मैं नहीं खेलता वो इसलिए क्योंकि उसकी ग्राफिक्स ऑब्वियसली मोबाइल के लिए बने हैं तो इतने परफेक्ट नहीं होंगे जितने आपको ये PC में दिख रहे हैं, है ना, सो इसलिए मैंने कहा था। नेक्स्ट किसका है, हर्ष जैन, ट्रेलर्स भी बाई करो ना भाई प्लीज़, ट्रेलर्स बाई करेंगे फिर उसमें ये हाई वैल्यू जॉब्स नहीं आती हैं, उसके लिए अलग अलग ट्रेलर खरीदने पड़ेंगे बहुत सारे, करेंगे करेंगे वो भी करेंगे। ये क्यों रुक गया जल्दी, अरे सीधा तो चले जाता, अरे लो जी शुभारंभ कर दिया हमने गेम ना, ये जाएगा नहीं, अरे ये तभी क्यों जाते जब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। उप्स देखा आपने ये गाड़ी ने कैसे हमें डॉज करा, इसको ओवरटेक करना पड़ेगा वरना ये तो हमारे साथ ऐसे करेगा। ओवरटेक नेक्स्ट क्या है, इसे राइट हैंडेड करो चेतन खुशवाहा, चलो ऐसे करता हूँ इस गेम के लिए मैं राइट हैंडेड कर देता हूँ, आपने बोला है तो ऑब्वियसली करूँगा तो सही है ना, इसको राइट हैंडेड जरूर करूँगा मैं, अभी एक गेम के लिए करूँगा कम से कम, अगर आपको सही लगेगा तो लोगों को मुझे बता देना। ठीक है ओके रेन प्लीज़ ऑन, रेन प्लीज़ ऑन, अच्छा ठीक है ऐसे करते हैं रेन का थोड़ा सा मैं प्रोबेबिलिटी को बढ़ा लेता हूँ क्योंकि फिर आप लोगों को अगर दिखेगा ही नहीं रोड या सनलाइट नहीं रहेगी तो गेम में मज़ा नहीं रहेगा, मैंने इसलिए ऑफ किया था, ये अतर सिंह ने बोला। और क्या है, और हमें आया है मीत जगानी, इन्होंने बोला कि अमेरिकन ट्रक सिमुलेटर छोड़ दो बकवास गेम है। बकवास हाँ मुझे थोड़ा मतलब तंग आ गया था मैं अमेरिकन ट्रक सिमुलेटर से, वो थोड़ा लैग वैग ज़्यादा करती है और है कंपैटिबिलिटी इश्यूज है, ट्रक व्रक इतने मज़ेदार नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जिन लोगों को पसंद है उन लोगों के लिए तो मैं कंटेंट बनाऊंगा ही। ठीक है लेकिन ऑब्वियसली आप बताओगे तो ही होगा वो, और पता है वीडियो को लाइक करो। क्या गाड़ी है क्या यहाँ पीछे रहेगी, चलो जा सकते हो, लैग लैंड में आ गए हम, लैग लैंड में इतना लैग कर रहा है। ठीक है सो व्हाट्स नेक्स्ट, नेक्स्ट कमेंट पे पढ़ते हैं। RDS गेमिंग भाई वरुण भाई, इसमें ट्रेलर मॉड इंस्टॉल करो, वेट बैश ट्रेलर एंड ग्रेट डेन, जैसे मैंने कहा था प्लीज़ आप जब भी कोई मॉड रिकमेंड करते हैं उसके साथ आप लिंक भेज दीजिए और लेटेस्ट 1.35 जो वर्जन है गेम का उससे कंपैटिबल हो आप ये ज़रूर चेक करें। एक गाड़ी बहुत तेज आ रही है, बच गए बच गए बच गए, ओ मर्सिडीज बेंज मैन, मर्सिडीज बेंज, तो यहाँ पे बेंस का हमारा ट्रक डीलर डिस्कवर हो चुका है, अभी हम आते हैं घूम के, एक और लेफ्ट में क्वेश्चन मार्क है उसको देख लेते हैं जल्दी से, काफ़ी टाइम तो मेरा इसी में लग जाएगा तो गेम प्ले बहुत लंबा हो जाता है। ओके तो ये रिक्रूटमेंट एजेंसी है, रिक्रूटमेंट एजेंसी का तो हमें अभी कोई काम नहीं है, हम यहाँ से वापस यू टर्न ले लेते हैं, ट्रक को रिपेयर कर लेते हैं, इसको राइट हैंडेड कर लेते हैं, रेन प्रोबेबिलिटी को चेंज कर लेते हैं, नया मर्सिडीज का ट्रक खरीद लेते हैं दूसरे ड्राइवर के लिए, हमें ड्राइवर भी हायर करना पड़ेगा फिर तो, जाओ भाई आईवी को भाई चलो। ट्रेन से गेमर ने 2 दिन पहले कहा था कि भाई नाइस नहीं भाई संडे की दूसरी वीडियो भी डाल दो, ओ सॉरी ब्रो संडे की दूसरी वीडियो भी नहीं डाली मैंने क्योंकि संडे की लिए वीडियो ही नहीं थी, मंडे के लिए भी वीडियो नहीं थी एक्स्ट्रा, सो कोई बात नहीं ब्रो कवर करूँगा मैं। एक बार हम मर्सिडीज के शोरूम में आ चुके हैं, अब हम ये ले देते हैं एक न्यू एक्ट्रोस गीगा स्पेस, ठीक है इसको कर देते हैं भाई कस्टमाइज, फुल्ली कस्टमाइज भाई, फास्टेस्ट चीज़ देंगे हम अपने ड्राइवर्स को, उनको खुशी से चलाना दो। ठीक है तो 8x4 की चैसी हो गई हमारी, इसमें क्या है देखो, चलो इसमें हम अपना इंजन M473 यूरो 6 कर देते हैं, 625 हॉर्स पावर सबसे पावरफुल यही है, और इसमें क्या है ओके हैवी कार्गो के लिए अच्छा है, ये सारे हैवी कार हमारे जो ट्रक्स हैं वो हैवी कार्गो के लिए ही हैं,
हैवी कार्गो हिल्स और अनइवन टेरेन, सब कुछ फुल है मतलब। इसमें तो एक्सक्लूसिव गीगा स्पेस कर देते हैं। अरे वाह, एक मिनट, ये तो कुछ नया है। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव गीगा स्पेस कर दिया। ट्रक के कलर में हम, ओ भाई साहब, दिस लुक्स नाइस। इसका नाम है हैवी चार्ज। ओए होए, ये ट्रक में आगे क्या लगा हुआ है, पता नहीं क्या है, लेकिन सही लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। तो सॉलिड ट्रक, सॉलिड। इसको अपग्रेड करने का कोई फ़ायदा है? ये सब चीज़ें तो हमें चलानी नहीं है जब ट्रक को, तो अभी क्यों करें। ठीक है, ये सब तो शायद छोड़ देते हैं। चलो चलो चलो, छोड़ दो छोड़ दो। इसको क्रोम कर देते हैं, दो तीन चीज़ें घुमा देते हैं बस। अंदर इंटरनल में भी क्या करेंगे, ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर कुछ रखने की। हमने चलाना ही नहीं है ट्रक, है ना, चलाना नहीं है तो क्या फ़ायदा। ये इसका अच्छा लग रहा है मुझे, ये ट्राई करूँगा, मुझे लग रहा है ट्रक में ट्राई करूँगा। एक्सक्लूसिव, चलो एक्सक्लूसिव करो भाई, सब एक्सक्लूसिव ही रखो, ये सब तो हमें नहीं कुछ नहीं करना। ठीक है, तो एक बार चेंजेस देख लेते हैं, वापस बैक जाओ, बाहर आ जाते हैं। तो ये 3000 टिकट टॉर्क होगी इसकी। इंजन पावर 625 हॉर्स पावर। हमारा जो वॉल्वो जो स्कैनिया का ट्रक है वो सबसे पावरफुल है। एक बार कंफर्म करके इसको ख़रीद देते हैं, ठीक है, फिर बताता हूँ कितने का। देखो याद रखना, ये 625 हॉर्स पावर का है ना, परचेज किया, ड्राइव नहीं करना भाई, इसको हमें गराज में डालना है। ये रही, एक मिनट, हमारे पास कितनी गराज है? अच्छा, यहाँ भी गराज है एक। ऐसा कर देते हैं, इसको हम यहाँ डाल देते हैं, मेरे साथ रहेगा एक मर्सिडीज का ट्रक, वो डिलीवर कर देंगे। ठीक है, डिलीवर कर ही दिया होगा, इसको लीव करते हैं। ठीक है, 625 हॉर्स पावर ना। और मेरा ट्रक का देखो, ट्रक मैनेजर का है हमारा, स्कैनिया है ना, ये देखो। अरे ट्रक के बारे में कहा है, ये रहेगा 730 हॉर्स पावर। फिर हमने एक और स्कैनिया का लिया था, 730 हॉर्स पावर, सारे 730 हॉर्स पावर। मैन का जो ट्रक था वो 640 हॉर्स पावर, और मर्सिडीज का जो ट्रक है वो 625 हॉर्स पावर। तो हमारे ट्रक उस हिसाब से ऑब्वियसली सबसे पावरफुल, इसलिए मैं ये चलाता हूँ, मैं इसलिए अभी स्कैनिया का नहीं चलाता। वॉल्वो का जब खरीदेंगे, जब हमारा ट्रक डीलर मिलेगा, तभी देखी जाएगी। ये यहीं ख़त्म होता है। क्या करना है अब हमने? अरे हाँ, ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर को हायर तो करना है। कहाँ है ड्राइवर? रिक्रूटमेंट एजेंसी जाते हैं, कहीं से भी उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हायर ड्राइवर किया, इसमें सबकी रेटिंग देखो कितनी घटिया है। लेकिन हम पॉल के को ले लेते हैं, इनको ज़्यादा ठंड लग रही है। हायर किया, हम इनको देंगे अपना मर्सिडीज़ का ट्रक। ठीक है बॉस, अच्छे से चलाना, ये हो गया। एक बार हम देख लेते हैं कि बाकी के ट्रक डीलर्स कहाँ हैं, क्योंकि हमने जॉब जो करनी है वो वहीं जाएगा। तो अभी हम कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे रे, मैनहाइम में ना हम तो, नहीं 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 स्टुटगार्ट में। स्टुटगार्ट से हमें या तो स्ट्रैसबर्ग, फ्रैंकफर्ट, नूरेमबर्ग, म्यूनिच, ज्यूरिच, अब याद रहेगा म्यूनिच ज्यूरिच तो याद रहेगा। ठीक है, म्यूनिच ज्यूरिच तो हमने कम से कम जाना है, स्ट्रैसबर्ग, फ्रैंकफर्ट और नूरेमबर्ग। स्ट्रैसबर्ग, फ्रैंकफर्ट, नूरेमबर्ग, ये सब याद रखना पड़ेगा। इनमें से कहीं जाना है, हमें नए ट्रक डीलर्स डिस्कवर करना है। ओके तो कहाँ जाते हैं हम पहले, लेफ्ट राइट? अरे कितना पेट्रोल रह गया, काफ़ी कम फ्यूल रह गया। अरे 100 किलोमीटर का फ्यूल है हमारे पास सिर्फ, तो अभी ट्रिप में कहीं ना कहीं हमें रास्ते में दिख जाना चाहिए फ्यूल, वरना तो बहुत बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, समझना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। चलो रिपेयर कर लें ट्रक को जल्दी से, देखते हैं कितना का लगता है हमें। 1000 यूरो, कोई इशू नहीं है भाई, 7 मिलियन यूरो है। ट्रक कन्फिग्रेटर में जाता हूँ एक बार, कुछ नया तो होगा नहीं ना, कुछ टॉप मॉडल है हमारा। ठीक है, ये कहने राइट में, तो देख लो भैया, मैंने आपके कहने पे कर दिया है, तो आप वीडियो को जरूर जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि मैंने देखो आपकी बात मानी है, और अब हम राइट हैंडेड ड्राइविंग करेंगे। तो कंफर्म, देखो पैसा खर्च हो रहा है, 15000 यूरो आपके लिए, कंफर्म कर दिया ऑर्डर, तो ये हो गया। और तो जल्दी वीडियो को लाइक ठोको। अब नेक्स्ट एक और चीज़ आपने बोला था, किसने बोला था, लेट मी सी, किसने बोला था, रेन ऑन, आई थिंक अतर सिंह, नो आपको याद है क्या, हाँ अतर सिंह ने बोला था रेन ऑन कर दो। देख लो, अब मैं जा रहा हूँ गेम प्ले पे, और यहाँ पे रेन की प्रोबेबिलिटी को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ हाफ पे कर देता हूँ। हाफ पे क्या है कि चांसेस बढ़ जाती हैं, तो बारिश हो जाएगी शायद, होपफुली इसमें हो जाएगी। तो ड्राइवर को रेस्ट पे देते हैं, पेट्रोल भी कम है, फ्यूल को भराना है। अब देखो राइट हैंडेड हो चुका है अचानक से, हम यहाँ पे चला रहे थे पहले, देखो राइट कितना मतलब विकेट है ना, गेम के अंदर बैठे बैठे तुम अपना लेफ्ट राइट हैंडिंग घुमा लो अपनी मर्जी से, इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। हम यहीं पे ट्रक को पार्क छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ जा भाई ड्राइवर। तो वीजे स्टेटस के ने बोला था, नाइस भाई, नाइस वीडियो, थैंक्स ब्रो। ठीक है, नेक्स्ट मुझे किसका मैसेज आया है, इसमें है कुणाल सिंह शक्तावत, सो नाइस ट्रक, चेन से क्लियर दिख रहा है,
चलो बढ़िया, थैंक्स ब्रो। फिर उन्होंने बोला माउस से भी अच्छा कंट्रोल हो जाता है, मेरे पास भी माउस है। अरे वाह, कौन सा माउस है? मैं माउस से एक्चुअली कभी कभी खेलता हूँ, मतलब बहुत रेयर, जब कुछ प्रैक्टिस करना हो या तभी ठीक है, मतलब मेरे से एडजस्टमेंट नहीं होता माउस से, होगा अच्छा खेलने में लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरे से नहीं होता। तो फ्यूल देखो हमारे पास सिर्फ अभी 95 किलोमीटर का है, मैप में देखें फ्यूल कहाँ से भरा सकते हैं। अरे तो बहुत दूर है ये, तो 118 किलोमीटर है, फ्यूल कहाँ से भराऊँ, ये कहाँ पे है 150। ये तो गड़बड़ हो गई, या तो फ्यूल स्टेशन ही नहीं है कोई। एक मिनट, इसमें कोई और ऑप्शन है क्या हमारे पास, इमरजेंसी रिफ्यूलिंग? अरे वाह, तो ये देखो नई चीज़ है। तो अब कभी कभी क्या होता है, जब से हमें ट्रक मतलब ट्रिप कैंसिल करनी पड़ती है ना, तो हम जैसे F8 नहीं सॉरी F7 पे जाते हैं, यहाँ पे डैमेज वैमेज सब दिखता है। जैसे मैंने एंटर दबाया तो आपको यहाँ पे चार चीज़ें दिखती हैं, एक होता है कि टो सर्विस, एक है इमरजेंसी रिफ्यूलिंग, एडजस्ट ट्रेलर और डिसमिस ट्रेलर। ठीक है, तो अगर मुझे टो करवाना है, मान लो मेरा ट्रक पलट जाता है और मुझे सर्विस करवानी है या कुछ भी डैमेज हो जाता है, तो टो टू सर्विस को क्लिक करूंगा तो मेरा ट्रक ले जाएंगे। इमरजेंसी रिफ्यूलिंग करवानी है तो मैं इमरजेंसी रिफ्यूलिंग को क्लिक करूंगा, ये कहेगा कि सर्विस में क्या होगा, 50 लीटर डीजल मिल जाएगा लेकिन 346 मिल जाएगा, 30 मिनट लगेंगे। अग्री, मैंने यस कर दिया तो मुझे अब इतना फ्यूल वो दे जाएगा। तो अब मैंने ट्रक ऑन करूँ, 96 किलोमीटर का फ्यूल था मेरे पास, अब 313 किलोमीटर का फ्यूल हो चुका है। तो देखो इमरजेंसी फ्यूलिंग हो गया, अगर हमें एक और बार भरवाना है तो नहीं होगा, वो सिर्फ तब होता है जब आई थिंक बहुत लो है, ठीक है, या फिर एक ही बार होता होगा, वो तो देखना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं, फ्रेट मार्केट पे जाते हैं, और आज थोड़ी लंबी जॉब तो नहीं मिलेगी क्योंकि मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ आपको इसी जगह पे समझाने में, तो शायद ना हो रूट लेंथ। अरे ये तो मैंने इंक्रीजिंग पे रखा है, तो देखो क्या हाल है, मतलब कम से कम 500 किलोमीटर की जर्नी है यहाँ पे, प्राग जा रहा है भाई साहब, प्राग क्या करें, इस में ट्रिप करना मुझे मुश्किल लग रहा है, 500 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और है भी क्या ड्राई मिल्क, कुछ इंटरेस्टिंग भी नहीं लेके जा रहे हैं, पे 37 यूरोस पर किलोमीटर के हिसाब से, क्या करें, आधे घंटे की वीडियो तो ये हो गई, 1 घंटे का बन जाएगा तो। ओ गॉड, लेट सी, और कुछ इंटरेस्टिंग अगर होगा तो जाते हैं, तो और 780 किलोमीटर, 44 ट्रैक्स, 1200 किलोमीटर, नहीं नहीं भाई अभी 1200 करने की हिम्मत नहीं है मेरी, ये हाई पेइंग जॉब है, लेकिन ये देखो हाय ग्रास लेके जा रहा है। ऐसा करते हैं, बेस्ट चीज तो मेरे पास देखो यही है कि ग्रास, ओस्नाब्रुक और प्राग, प्राग ओस्नाब्रुक ग्रास, इसमें से कौन सी जगह ट्रक डीलर है, वेयर इज आर ट्रक डीलर, तो ग्रास में है और कहीं नहीं है, इतना ब्रुक प्राग एक यहाँ था ना, कहाँ जा रहे थे हम, प्राग में है, तो देखो प्राग में एक है और ग्रास में, प्राग और ग्रास, फ्रेट मार्केट पे जाते हैं, प्राग और ग्रास, उसमें ब्रुक तो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने का मतलब ही नहीं बनता, यही कर लेते हैं, 600 किलोमीटर है, लेकिन अब देखो ये 500 है, ये 600 है, ये तो ज़्यादा पेइंग है ना, हाई पेइंग है, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अर्जेंट डिलीवरी है और हाई वैल्यू कार्गो, तो अब हम फोकलिफ्ट लेके जाएंगे 11 टन। कहाँ जाना है, राइट जाना है, देखो क्या क्या कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, प्लीज़ लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, देखो 10 लाइक लाने में तो कोई इशू होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, आप इतना मेहनत तो कर ही सकते हो, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत कर दो, आपने काफ़ी वीडियोस में लाइक्स काफ़ी ऊपर ले गए, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे पता है ये सारी मतलब मैं सिर्फ लाइक्स के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, मुझे पता चलना चाहिए ना कि आप लोग इतने टाइम अगर मैं घंटे स्पेंड कर रहा हूँ वीडियोज़ बनाने में तो लोग देख भी रहे हैं कि नहीं, अब आप व्यू करके चले जाएंगे मुझे लगेगा कि क्या कहते हैं बॉट देख के चला गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं फील आना चाहिए मुझे, तो एक कनेक्शन बना रहेगा हम लोगों का, आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि नई चीज़ें पता चलती हैं आप लोगों से भी, और क्या कहते हैं आप लोग भी शायद मुझसे कुछ नया सीख पाते होंगे, होपफुली नहीं सीख पाते हैं तो आगे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएंगे हम भी। तो हाईएस्ट पेइंग जॉब थी हमारी फोकलिफ्ट की थी, 32,684 यूरोस, एंड ये हम जा रहे हैं स्टुटगार्ट से ग्रास यानी कि जर्मनी से ऑस्ट्रिया। ओके, कहाँ है हमारा ट्रेलर, ये रहा हमारा ट्रेलर,
बीजे स्टेटस के ने बोला था भाई प्लीज बस मॉड विद मॉडी प्लीज। तो देखो भाई लिंक दे दो फिर मैं देखता हूँ, ठीक है, टेस्ट करूँगा पहले, उसके बाद फिर आप लोगों का जब रिस्पांस आएगा तो ये होगा। क्योंकि मैंने एक वीडियो में बोला था कि अगर मैं ट्रक सिमुलेटर खेल रहा हूँ तो बस का पॉइंट नहीं बनता, बट ऑब्वियसली जैसे पब्लिक चाहे। ये हमारे फोकलिप्स हो गए अटैच, जर्नी करते हैं शुरू। बारिश हो गई बंद, वाइपर करो ऑफ। बड़ा अजीब लग रहा है राइड करके, इतने टाइम से हम लेफ्ट में चला रहे हैं ना। फ्यूल तो भराना ही पड़ेगा ना, देखिए जरा फ्यूल का क्या स्टेटस है। 218 किलोमीटर का फ्यूल है, रास्ते में आ ही जाएगा, वरना फिर इमरजेंसी रिफ्यूलिंग का ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा हमें। सोहेल पंसारी ने कहा कि मेरे चैनल को भी प्रमोट कर दो। ओके ब्रो प्लीज़ इनको भी सब्सक्राइब करें, हम अभी 137 सब्सक्राइबर्स पे हैं, तो मेरे को भी सब्सक्राइब करें, इनको भी कर दें, आप चेक कर सकते हैं। ये क्या कहते हैं, कमेंट करते रहते हैं हमारे वीडियोस पे। और हर्ष जैन, शुड यू गो विद वॉल्वो मॉडल्स? ब्रो वॉल्वो मॉडल्स हम जाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन डिस्कवर करेंगे तो ही जा पाएंगे ना, तो उसको टाइम लगेगा, डिस्कवर करेंगे, देखते हैं कितना पावरफुल है वो। तो ये थे कमेंट्स जो मुझे दिखे थे अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोग ऐसे ही चाहते हैं कि आपकी वीडियो सॉरी आपके कमेंट्स को मैं पढूं और शाउट आउट दूं अपनी वीडियोस में, उसके लिए आपको कमेंट ही करना पड़ेगा। तो कमेंट करें एंड हम फिर करेंगे जैसे आपने बोला है। देखो अब आपने बोला था राइट हैंडेड कर दो, ब्रो मैंने राइट हैंडेड कर दिया है। आपने बोला रेन रेन ऑन कर दो, मैंने रेन ऑन कर दी। आपने बोला चीट मोड, मैंने डाल दिया। मनी मोड डाल दिया, एक्सपी मोड डाल दिया, इतना सब कुछ कर दिया। तो बस आप लोगों का काम यही है कि बस फ्रेंड्स के साथ शेयर करो अपने, और इस वीडियो क्या इस चैनल को अच्छे से मतलब लाइक्स की बारिश कर दो, जैसे इसमें बारिश हो रही है। बहुत गंदा था ये, आई नो। हाँ मन, काफ़ी टाइम बाद मैं खुद खेल रहा हूँ ये गेम। मैं बहुत बिजी हो गया था काम से रिलेटेड तो मुझे मौका नहीं मिला, आई एम सॉरी। बट ऑब्वियसली जब ये गेम खेलते हैं तो कितना सूदिंग हो जाता है, ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है। आज अभी तो अंधेरा हुआ पड़ा है, देखो काफी, ये देखो हमारी फोकलिप्स। लेकिन ऑब्वियसली अंधेरे में भी इस गेम का मजा ही अलग है। अब देखो इसमें क्या है, हमारा ट्रैफिक राइट हैंड था ना, तो राइट में रहने में ये प्रॉब्लम हो रहा है कि जब मैं राइट से लेफ्ट लेता हूँ तो बार बार देखना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता ही है मैं लेफ्ट राइट फुल स्पीड में घुमा देता हूँ ट्रक को बिना देखे कि क्या हाल चाल है। अब ये गाड़ी निकल गई, इसका तो मुझे कोई अंदेशा ही नहीं था कि आएगी यहाँ से। ये जो रोड है ये डिस्कवर्ड दिखा रहा है, यहाँ स्पीड देखो सब स्लो कर रहे हैं, तो मैं यहाँ जूम करते हुए निकल जाऊंगा। भाई धीरे चलाओगे, इतना धीरे चलाओगे तो मेरा तो नहीं चलेगा ना। ये लो भाई, मैंने एक गाड़ी पीछे, डैमेज है क्या? बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए। थोड़ा डिफिकल्ट है मुझे राइट हैंडेड खेलने से, तो प्लीज फॉरगिव मी अगर मैं इस ट्रिप में एक्सीडेंट से करता रहूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने जहाँ भी जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, व्हाट, फ्यूल खत्म हो गया। इमरजेंसी रिफ्यूलिंग कराओ, कोई नहीं पैसा लगेगा, लगाओ भाई। यू आर वेटिंग फॉर इमरजेंसी फ्यूलिंग सर्विस। ओ माय गॉड क्या हो गया, यहाँ तो कोई फ्यूल की स्टेशन ही नहीं है, 150 किलोमीटर का फ्यूल दिखा रहा है ये। अरे थैंक गॉड आ गया एक, लेकिन ये तो इस साइड पे है, कैसे जाऊँ मैं? ओह नो, अरे यहाँ पे भी है, बच गए बच गए बच गए। लेकिन ये 150 किलोमीटर तो यही लग रहा है मुझे, म्यूनिच आ जाएगा, फिर सैल्सबर्ग। हमने कहाँ रुकना है? अच्छा ग्रास जाना है हमने। ओ नो, सो आपने आज ये देख लिया होगा कि जब फ्यूल खत्म हो जाता है तो इसमें कैसे आ जाता है लिखा हुआ कि यू आर आउट ऑफ फ्यूल। ऑब्वियसली मैं फुल स्पीड में चला रहा हूँ, इकॉनमी नहीं आ रही होगी ना ट्रक में, जब इकॉनमी
इकोनॉमी नहीं आती है तो आपको पता ही है ऐसी क्रैश करेगा। आप देखो हर थोड़े सेकंड में हमारा ट्रक बंद हो जाएगा क्योंकि मैंने फ्यूल नहीं भरवाया। सो अब से एक हमें सबक मिल गया कि हमेशा अपने ट्रक या अपने गाड़ियों का फ्यूल फुल रखा करें। प्रवचन दे दिया मैंने बट काम की चीज़ है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए सबक होगा, मेरे लिए सबक है, सॉरी, आप लोगों के लिए भी होगा। तो 99.99 आ रही है हमारी अभी एवरेज, क्योंकि अभी मैंने एक्सीलेटर छोड़ा हुआ है, 116 किलोमीटर कवर करना है हमने। कितनी है? 0.9। ओह गॉड, माइलेज बेकार हो गई। 1.0 हुआ नहीं गया तो 1.0 क्या है, आ गया। खैर थोड़े से देर है फिर फ्यूल स्टेशन आ गया हमारा। 80 किलोमीटर है, अब मैं छोड़ रहा हूँ एक्सेलेटर को। ये देखो ये ऊपर पहाड़ पे है फ्यूलिंग स्टेशन, वो तो उनके लिए जो उस साइड से आ रहे हैं, हमारे लिए इस साइड होगा। कितना लीटर लिखा है? 22 लीटर रह गया, 21 पहुंच ही गया, 20, 19, 60 किलोमीटर कवर हो जाएगा, 200 मीटर रह गया। देखो 200 मीटर कह रहा है, देखो हमारे कितने किलोमीटर निकल जाते हैं इधर। ये थोड़ा स्टूपिड भी है लेकिन क्या करें। देखते हैं फुल टैंकी कराने में कितना पैसा लगता है। चलो 1.31 है कॉस्ट यूरोस पर लीटर। कितना पैसा लगेगा जल्दी से गैस करो, नीचे कमेंट करो, देख के मत कमेंट कर देना कि कितना पैसा लगा है, और बताओ मुझे कि आपको लगता है कि कितना पैसा लगेगा इसे फुल फ्यूल करने में। मुझे तो लग रहा है कम से कम 1000 मतलब 1200-1300 यूरो तो लगेगा ही। वाह 1300 यूरो लगा है, 980 लीटर। अब हम ट्रिप आराम से कर पाएंगे, हमारे पास 3000 किलोमीटर का फ्यूल है। लेकिन ऐसे खत्म होता है ना, मैं क्या बताऊं, मैं फुल स्पीड में फ्यूल यूज होता है। मैं चलाता भी तो 125-150 किलोमीटर पर आवर पे हूँ, फ्यूल कंज्यूम तो उसके अकॉर्डिंग ही होता है। फिर मैं क्रूज ड्राइविंग पे छोड़ देता हूँ काफी टाइम पे। यहाँ गाड़ी आ रही है, मुझे लग रहा है बस एक्सीडेंट होने वाला है। रुक जा, थैंक गॉड रुकी। कितनी अच्छी मौसम है आजकल तो, एक्चुअली दिल्ली में भी बारिश हो रही है, दिल्ली थोड़ी 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 दिल्ली में दिल्ली। तो आप लोग मुझे बताएं आप लोग कहाँ रहते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप अपनी स्टेट सिटी। मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरी जो जो हमारी पब्लिक है कहाँ की है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बात कर दिया एक्चुअली। अरे वाह एक और फ्यूल स्टेशन, मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे तो 1 किलोमीटर के अंडर ही एक और आ गया फ्यूल स्टेशन, और वहाँ पे इतने दूर से मैं चली जा रहा हूँ कोई आया ही नहीं। ये गलत बात है, SCS सॉफ्टवेयर तो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा फ्यूल स्टेशन सही जगह पे बनाओ, या तो ये पता नहीं असली जैसे होता है वैसे इन्होंने करने की कोशिश करी है, या फिर इनको पता था मेरा फ्यूल जाने वाला है तो इसको परेशान करो थोड़ा और। तो आप लोग क्या करते हैं, क्या आप स्टूडेंट हैं, क्या आप वर्किंग हैं, कौन से क्लास में, ये सब चीज़ें भी मुझसे शेयर करें। लेट्स सी कौन कौन मेरी वीडियो देखता है। आई एम श्योर बच्चे ही होते हैं, ऑब्वियसली बच्चे, मैं खुद ही बच्चा हूँ अभी भी यार। इवन दो मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं सोचते कभी कभी जब मैं काम नहीं कर रहा। तो
बताएं आप लोग कौन से क्लास पढ़ते हैं, कौन से सिटी में, स्टेट में, जो भी है आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। एंड ऑब्वियसली शाउटआउट्स अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट्स करें, फिर आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो भी आंसर्स करूँगा मैं, और उसके साथ साथ एक शाउटआउट भी बन जाएगा आपका क्योंकि आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो क्वालिटी कैसी है गेम की मुझे ज़रूर बताना। ठीक दिखता है क्या गेम में, सब कुछ कोई इशू तो नहीं आता, ब्लर वगैरह या क्या कहते हैं लैग हो रही है गेम कहीं? देखो सिटी में अगर आपको थोड़ा गेम धीरे दिख जाता है तो वो तो मेरी गलती नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरा प्रोसेसर ही ऐसा है, हैंडल नहीं कर पाता कभी कभी। और मैंने बताया होगा आप लोगों को पहले भी कि ये इसमें पावरफुल प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड सब कुछ भी लगा दो तब भी कभी ना कभी तो सिटी में आके लैग करते ही है, 30 फ्रेम्स में सबका आ ही जाता है, इनफैक्ट 30 फ्रेम्स के नीचे भी चल जाता है। मैंने एक्चुअली ये भी नहीं देखा कि हमें कितना टाइम लगेगा ट्रिप करने में, अभी देख लेते हैं अभी के लिए कितना टाइम रह गया, 360 किलोमीटर जल्दी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली वीडियो तो 1 घंटे की बनी गई होगी। सो आप लोग मुझे ये बताएं कि क्या मुझे कमेंट्री बीच में बंद कर देनी चाहिए, जैसे अभी गेम चल रही है एंड आप लोग एंजॉय करना चाहते हैं, मेरी आवाज़ सुनना चाहते हैं, ट्रक की आवाज़ सुनना चाहते हैं, तो क्या मैं बीच में बंद कर दूँ कमेंट्री? अभी मैं कमेंट्री थोड़ी देर बंद करके देखता हूँ और आप मुझे बताना कि ऐसा सही रहेगा या बीच बोलते रहूँ वो सही रहेगा, तो वो आपके ऊपर होगा। एंड देखते हैं क्या होता है, अगर लोग कहेंगे कि भाई बोलते रहो भाई हम बोलते रहेंगे, अगर आप बोलोगे नहीं भाई चुप रहे भाई तेरी आवाज़ नहीं सुननी मुझे बस गेम देखनी है, ठीक है भाई फिर उसके लिए हम ऐसे माइक बंद करेंगे।
मैं वापस आ गया हूँ। मैं एक्चुअली यहीं पे ही था, मैं म्यूट करके खेल रहा था। ऑब्वियसली देखना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे जाते हैं इस गेम को। अरे वाइपर्स तो अभी भी चल रहे हैं, को ऑफ करो। थैंक यू। ऐसा लगता है पहली बार किसी गाड़ी ने हॉर्न सुन के साइड हुई है। तो हम बड़े ब्यूटीफुल जगह थे। अभी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये इसके ऊपर एक्चुअली एक पहाड़ है। एंड काफी बार, अरे कितनी ब्यूटीफुल जगह है ऑस्ट्रिया। टोल आ गया आई थिंक। इतनी ब्यूटीफुल जगह, ऑटोमेटिक तो इसमें है नहीं ना शायद। देखो मतलब मेंटेनेंस है भाई, अच्छे से मेंटेनेंस। €8 ले ले भाई, तो €8 रख। वाओ कितना ब्यूटीफुल है। बारिश शुरू हो गई। अरे हाँ, हमने तो रेन प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देते चांसेस। अब इसको ऑफ नहीं करेंगे तब तक तो हम बाहर ही आ जाएंगे। अरे वाह, मजा ही आ गया। तो देखो अभी एक्चुअली टाइम क्या हो रहा है, देख लें। उप्स, 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 उप्स। टाइम हो रहा है अभी 6:30। तो देखो मेरे इंटरनेट के हिसाब से 2-3 घंटे अगर लगेंगे इस वीडियो को, तो मतलब समझ लो 3 घंटे। चलो 7 बजे से 3, 10 बजे तक तो देखो ये गेम हो जानी चाहिए अपलोड। एंड अगर अगर ये 1 घंटे के अंडर हुई तो ठीक है। आई नो ये 1 घंटे के ऊपर ही है, क्योंकि एक्चुअली मैं टाइम देख के नहीं शुरू करता। जब मुझे फ्री टाइम मिलता है तब मैं बीच में बैठ जाता हूँ थोड़ी देर, एंड तभी खेल सकता हूँ। पता नहीं होता ना कि कितना टाइम लग जाएगा गेम खेलते समय। ऐसे अगर अब अपने ऐसे, मैंने कहा ऐसे ट्रिप्स आ जाती हैं तो कुछ पता तो बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ पे टोल देना है, खाली जगह पे जाते हैं। खाली जगह है नहीं, खाली जगह एक्चुअली। ये ट्रक यहाँ क्यों खड़ा हुआ है? फ्री है क्या एंट्री यहाँ पे? लिखा ट्रक है तो भाई हम अपने लेन में जाते हैं, पर ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अच्छा क्या प्राइस, प्राइस क्या लिखा है यहाँ पे? 0.49, 0.74, 9.5, 4.5। देखते हैं। €20। काफी टनल्स हैं ऑस्ट्रिया में। तो देखो राइट में एक और टनल जा रही है। क्या रास्ता है मतलब, वाह। ये होम सर्विस की लेफ्ट में एक गाड़ी जा रही है। ये मर्सिडीज की एक गाड़ी होती थी आई थिंक, वही है, वैन होती है मर्सिडीज की। काफी मस्त वैन है, स्पेशियस बहुत होती है। काफी सारी मूवीज में भी दिखाई होती है मर्सिडीज की वैन। आई थिंक मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज में भी कहीं ना कहीं है यूज़। रिस्क ले रहा हूँ मैं आज, किसी को ठोकते हुए ना जाऊँ, ना मैं खुद ठोक जाऊँ। निकाल लिया किस तरीके से यहाँ पे। यहाँ तो हम लेफ्ट ले लेते हैं। वो 131 पे ऐसे टर्न्स नहीं लेने चाहिए थे। 131 किलोमीटर की स्पीड है, 132। इतने स्पीड पे कभी भी ऐसे टर्न नहीं लेने चाहिए। वाइपर्स स्पीड बढ़ाओ। एक्चुअली हमने लेफ्ट लेना है। थैंक यू साइड होने के लिए जीएनटी।
TNT ज़्यादातर जो एक्सप्लोसिव वगैरह सामान ही लेके जाते हैं शायद ये लोग। ग्राज के लिए लेफ्ट, हमने ग्राज ही जाना। मेरा ध्यान लाइट ऑन ऑफ करने में चला गया, उसके वजह से फिर से डैमेज हो गया, 1% डैमेज हो गया होगा। पेनल्टी पता नहीं कितने यूरोस की होगी। कोई बात नहीं, हमने ग्रास बस कर ही दिया कवर। ओ नो 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 नो, रेड लाइट, बच गए। पुलिस बहुत है यहाँ, चालान काटेगी क्या हमारे? ये तो जा ही नहीं थे, हम ही इधर चले जाते हैं। इनके रेड लाइट हो जाते हैं, सारे रुक जाएंगे। नहीं रुका कोई भी। चलो LKW हमारे लेफ्ट में है, हम लेफ्ट ले लेते हैं यहाँ से। आगे वाले कट से लेंगे लेफ्ट, यहाँ ले लिया कट। बस ये पार्क होने वाला है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं। ओके, हम ऐसे इसे पार्क कर सकते हैं क्या? ऐसे पार्क कर दें, आज हम ऐसे पार्क करेंगे स्टाइल में। तो ये हो गया एक्सीलेंट डिस्कवर, हमने कर लिया ऑब्वियसली ग्रास को। तो हमें मिला 32,684 यूरोस, 1,01,000 XP। तो देखो अभी भी XP मोड चल रहा है, और देखो हम कौन से लेवल पे पहुंच गए। अब डिवाइन चैम्पियन आ गए हम, 103 लेवल पे हैं। देखा, ये बार बार बढ़ता है। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया था पिछले बार मॉड की लिंक्स, आप वो चेक कर सकते हैं। एक बार हम देख लेते हैं हमारे ड्राइवर्स का क्या हाल है। ड्राइवर मैनेजर पे जाते हैं, मेटिवस इन्होंने क्या करा अभी तक। दो ही ट्रिप करें, हमने इतना कुछ कर लिया, ये दो ट्रिप पर बैठे हैं, ये भी दो ट्रिप पर, सब दो ट्रिप पर बैठे हैं इन्होंने। ये देखो, ये मैम और सोलोया मैम काफ़ी अच्छा काम करती है, कॉलीफ्लावर लेके गई हैं, गोभी 6,650 का प्रॉफिट लेकर आई हैं। इन सर का क्या हाल है? इन सर ने भी दो ट्रिप्स कर लिए, और अभी इनको ज्वाइन किया था, इन्होंने ज्वाइन किया था, इनका दूसरा दिन है ना शायद, हाँ डे टू डे थ्री। मटिवस का देखते हैं, अभी ये डे वन पे ही चल रहा है इनका, इनका कैसे डे नहीं बदला, थोड़ा वियर्ड है। रेस्ट बहुत करते हैं ये, अभी तक ये सारे ऑन ड्यूटी लग रहे हैं ना, ये रेस्ट कर रहे हैं हमारे नए पॉल साहब, बाकी सारे तो बिजी हैं। चलो अच्छा, प्रॉफिट में देखो हम सबसे बेस्ट प्रॉफिट तो अर्सलोया मैम दे रही है, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए वीडियो, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें नोटिफिकेशंस के लिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।